नमस्कार श्रोताओं, गुड इवनिंग आप सबको रिद्धि की ओर से। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका किचन एक्सप्रेस में ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वैसे दोस्तों, हमारा ये सफर चलता ही इस प्रकार है ना? खाना पीना, बातें और मस्ती, और क्या चाहिए ट्रैवलिंग में। जब हम ट्रेन में घूमने जाते हैं तब भी तो वही करते हैं, और इसी तरह हमारा लंबा सफर चुटकी में कट जाता है ना? बस किचन एक्सप्रेस का भी काम यही है, खूब सारी बातें करो, खाना बनाओ और एंजॉय करो। वैसे अब तो मार्च का महीना आ चुका है, इसलिए न सिर्फ बच्चों को बल्कि आजकल की मम्मी भी बिल्कुल टेंस हो चुकी है। पता है क्यों? नहीं पता चला अभी तक? अरे, एग्जाम्स जो आ गए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे महीने ही ऐसे होते हैं बोला कि एग्जाम्स ही एग्जाम्स रहते हैं। और न सिर्फ बच्चों को बल्कि मम्मीज को भी इतना ही टेंशन रहता है, एग्जाम्स कैसा जाएगा, नर्वस नहीं हो जाएगा मेरा बच्चा, तबीयत तो ठीक रहेगी ना, ये वो, इस प्रकार के कई सारे सवाल सताते रहते हैं। लेकिन एग्जाम्स सिर्फ अच्छा पढ़ने से ही नहीं जाएगी, एग्जाम्स के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स होने जरूरी हैं, जैसे कि अपने आप पर काबू रखना, अच्छा खाना खाना, अपनी सेहत को मेंटेन करना। अगर ये सारी चीजें अच्छी ना हो तो चाहे आपको सब कुछ याद हो लेकिन आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा ना रहेगा, आपको सेहत की कोई न कोई बात सताया करेगी, इस प्रकार कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। इसलिए ही आप इन सब बातों का सलूशन लेकर मैं रिद्धि हाजिर हूँ किचन एक्सप्रेस में। तो आप मम्मीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एग्जाम स्पेशल स्नैक्स ओनली फॉर यू। वैसे एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि एग्जाम्स के दौरान अगर अच्छा खाया जाए तो उसका असर भी काफी हद तक अच्छा पड़ता है। जनरली क्या होता है कि एग्जाम के दौरान हम पढ़ते रहते हैं तो जनरली बैठना ही होता है। इस दौरान अगर हम ऐसी चीज खाएंगे जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, जैसे कि ज्यादा बॉडी में गैस बढ़ जाए या फिर कफ हो जाए, तो आगे जाके एग्जाम्स पर ही उसका असर पड़ेगा। इसलिए खानी ऐसी चीज चाहिए जो हेल्दी भी हो और जो हेल्थ अच्छी है उसको मेंटेन करके भी रखे। यही सारे पर्पस को सर्व करते हुए अब मैं आपको न्यूट्रिशियस चटपटी सी डिशेस सिखाऊंगी। चलिए फिर शुरू कर ही देते हैं इन किचन एक्सप्रेस विद मी रिद्धि ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। क्या सुमित, एक बात पूछूं?
हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। दोस्तों सबको ऐसी आदत होती है ना, कि पढ़ाई के दौरान कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, और उनको भी जिनको इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जो ज्यादा लेंदी होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के दौरान कुछ न कुछ खाने का मन अक्सर होता है, और अगर हम कुछ तली हुई चीजें खाएंगे तो इससे क्या होगा कि बॉडी में गैस का प्रमाण अनवांटेडली बढ़ जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो कम से कम फैट तो बढ़ ही जाएगा ना, और वो भी तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो अब मैं आपको सबसे पहली ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसमें ना सिर्फ ऑयल न होगा बल्कि न्यूट्रिशंस भी होंगे, और आपको पढ़ाई के दौरान बिना हिचकिचाहट के खाना है, और बस एंजॉय करते जाना है पढ़ाई को। तो फिर शुरुआत करते हैं हम ऐसी पहली रेसिपी की। ये रेसिपी है जिसमें मूंगफली और चने, फ्राइड मूंगफली और चने, रेसिपी का नाम ही ऐसा है। आइए आप जान लेते हैं कि इस रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए। मसालेदार मूंगफली और चने बनाने के लिए हमें चाहिए चने 1 कप, मूंगफली 1 कप। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए ऑयल 3 टेबलस्पून, बेसन 3 टेबलस्पून, सॉल्ट पाउडर 1 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून, जायफल पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, आमचूर पाउडर 2 टेबलस्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 1/2 टीस्पून, दालचीनी पाउडर 1 टीस्पून। हो गए सारे मसाले तैयार, और जरूरत पड़ने पर लाल चिली पाउडर 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, तो इसकी बनाने की तैयारी कर ले। सबसे पहले हमें मूंगफली और चने को अलग अलग रोस्ट कर लेना है। अब रोस्ट करने के बाद हम मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, और एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे, इसमें 2 चम्मच बेसन मिलाएंगे, फिर एक के बाद एक मसाले ऐड करते जाना है। मसाले सब ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाना है, और अब फिर से 1 चम्मच ऑयल और बेसन डाल देना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद चने और मूंगफली एक के बाद एक ऐड करके गैस ऑफ कर देना है, और 1 मिनट तक हिलाते रहना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से
कोट हो जाए। वैसे बेसन को लेने की वजह यही है कि सारा मसाला सब मूंगफली और चने पर अच्छे से कोट हो जाए। जनरली क्या होता है कि एकाध मूंगफली पर कोट होता है और सारी रह जाती है, और चने के साथ भी ऐसा ही होता है। तो बेसन लेने की वजह यही थी कि सब इक्वली मिक्स हो जाए और इक्वली सब पर कोटिंग भी लग जाए। तो आप तैयार है मसालेदार मूंगफली और चने सर्व करने के लिए। हम इसको गार्निश करेंगे पुदीने के लीव्स से। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूं। इस संस्था की गतिविधियां इस प्रकार हैं। यहां पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहां प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहां का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। गीत गाता चल, साथे गुनगुनाता चल, मधुर संगीत मधुबन खुशबू देता है। कलाकारों के जीवन की रोमांचक बातें। इसके पहले कि दुनिया मुझ पर हंसे, मैं इसका गला घोट दूंगा। मेरा गला घोटने से अगर आप दुनिया की हंसी रोक सकते हैं तो घोट दीजिए मेरा गला। चुप बेशरम, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। और पर्दे के पीछे की कई सुनी और अनसुनी कहानियां। गीत गाता चल ओ साथ। सुनना न भूलिए प्रोग्राम गीत गाता चल, मेरे यानी आरजे भूषण के साथ, बुधवार रात 10 से 11 और पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 5 से 6 आपके चहिते और फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान पर, रेडियो उड़ान पर। ये नाश्ते की खास बात ये है कि इसको लंबे अरसे तक स्टोर भी किया जा सकता है और आप जब भी चाहे तब तात्कालिक तौर पर भी इसको तैयार करके सर्व कर सकते हैं। और जिनको इस प्रकार की आदत हो कि जब पढ़ते हैं तब कुछ ना कुछ साथ में खाने के लिए चाहिए, उनके लिए इस प्रकार की रेसिपी बहुत ही अच्छी है। वैसे तो बैठे बैठे जब मूंगफली और चने खाते हैं
तो गैस का प्रॉब्लम रहता ही है, इसलिए हमने मसाले ही इस प्रकार तैयार किए ताकि गैस का प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि सौंठ पाउडर लिया, दालचीनी पाउडर लिया और ऊपर से हमने इसमें डाले पुदीने के पत्ते, तो ये सारी चीजें इसको अवॉइड करेगी। ऊपर से हमने जो मसाला तैयार किया ना, उस मसाले में आप ममरे भी फ्राई कर सकते हैं या फिर कुछ और भी आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो उस पर भी ये मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सो तैयार है मजेदार नाश्ता, अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की ओर। जनरली एग्जाम्स के दौरान बच्चे इस प्रकार की रेसिपी पसंद करते हैं जो चटपटी सी हो, और वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मम्मी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि अगर कोई डाउट हो तो मम्मी को पूछा भी जा सकता है और मम्मी इस विषय में उनकी मददगार जरूर बन सकती है। इसलिए मम्मी भी इस प्रकार की रेसिपी पसंद करती हैं जो जल्दी से जल्दी बन जाए और बच्चे के मुंह पर स्माइल आ जाए वो रेसिपी देखकर। ज्यादातर बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है ना? लेकिन एग्जाम के दौरान ये मुमकिन ही नहीं है कि हम उनको इस प्रकार के फूड प्रोवाइड करें, किंतु उन ही फूड्स में कुछ कुछ वैरायटी लाई जाए तो वही फूड को हेल्दी बनाया जा सकता है। फिर आपको पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग ऐसी चीजें परचेज कर खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर ही आप इसका अनोखा वर्जन बना सकते हैं। हमारी अगली रेसिपी भी कुछ इस प्रकार की ही है। हमारी अगली रेसिपी है पिज्जा या इडली, नाम ही कुछ अलग है ना? आइए अब जान ही लेते हैं कि इसको किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पिज्जा या इडली बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, बॉइल्ड कॉर्न्स क्रश किए हुए 2 चम्मच, कैप्सिकम क्रश किया हुआ 1 चम्मच, धनिया क्रश किया हुआ 1 चम्मच, बीट क्रश किया हुआ 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, सॉल्ट टू टेस्ट, ओरिगानो 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, दही 1.5 कप, दही न ज्यादा फीका लेना है न ज्यादा खट्टा, बस मीडियम हो इसी प्रकार का दही हमें लेना है। गाजर क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून। अब सबसे पहले हम बैटर बना लेंगे और फिर आगे के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। तो बैटर बनाने के लिए हमें दही में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं और हमें इसमें फ्रूट सॉल्ट ऐड करना है जो 1 टीस्पून लेना है, और बैटर की तरह ही इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यानी कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी रहे ऐसा इसको प्रिपेयर करना है। जरूरत पड़ने पर आप दही ज्यादा भी ले सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो बैटर तैयार ही समझ लीजिए। अब इडली के मोल्ड में बैटर भरकर इसको 8-10 मिनट्स तक बॉईल करने के लिए रख दीजिए। अब हम तैयारी करते हैं एक ग्रेवी की। ग्रेवी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए टमाटर क्रश किया हुआ 2 टेबलस्पून, गाजर क्रश किया हुआ 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, टोमेटो केचप
वन टीस्पून, चीज वन क्यूब, धनिया क्रश किया हुआ वन टीस्पून, ओरिगानो हाफ टीस्पून, चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून। अब हम बनाएंगे ये खास प्रकार की ग्रेवी। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम इसमें टोमेटो डालेंगे जो क्रश किया हुआ है। टोमेटो के बाद हमने जो अन्य वेजिटेबल्स लिए हैं, उसको भी ऐड करेंगे। अब सारे मसाले ऐड कर देने हैं जो हमने लिए हैं। सब मसाले ऐड हो जाए तो 2 मिनट तक ग्रेवी को पकने के लिए रख देना है। ग्रेवी तैयार हो गई और इडली भी तैयार है। अब यही इडली पर ये ग्रेवी को पोर कर देना है। सर्व करने के लिए इडली है तैयार। तो सर्विंग प्लेट में हम इडली लेंगे, ग्रेवी पोर करेंगे और ऑलिव, एलिपेनो और ओरिगानो, धनिया ये सब चीजों से गार्निश करेंगे। ऊपर से हम कॉर्न्स भी लेंगे जो बॉईल किए हुए होंगे, लेकिन बिना क्रश किए हुए होने चाहिए। अब इन सब चीजों से गार्निश करके हम बच्चों को प्रेजेंट करेंगे। और चीज को कैसे भूला जा सकता है ना? क्योंकि ये इडली पिज्जा का ही एक वर्जन है, तो बच्चों को चीज भी पसंद है और एग्जाम के दौरान तो चीज देना चाहिए। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि चीज एक डेयरी प्रोडक्ट जो है, इसमें प्रोटीन भी होता है और विटामिन्स भी होते हैं, तो हेल्दी भी होता है वो। तो चीज को कद्दूकस कर ऊपर से स्प्रिंकल कर देने हैं। तो दोस्तों तैयार है इस प्रकार पिज्जा या इडली। एंजॉय कीजिए आप और बच्चों के फेस पर देखें अनोखी मुस्कान। इस प्रकार का हेल्दी फूड खाने के बाद देखें उनका एग्जाम कैसा रहता है, क्योंकि ये ऐसी इडली है जो झटपट बन भी जाती है, क्योंकि बैटर को रेस्ट भी नहीं देना पड़ता। और बच्चों का जो पिज्जा खाने का शौक है वो भी इसमें पूरा हो जाता है। और कलरफुल तो है ही, बच्चों की बात ही ऐसी है ना दोस्तों? जब अच्छा प्रेजेंटेशन करके उनको सर्व करते हैं तो उनको बहुत ही खूब पसंद आता है। और हमने ये चीज यहीं पर आजमा के देखी। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण के नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में, जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर।
شام غزل سننا نہ بھولیے ریڈیو اڑان پر فرائیڈے رات 10 سے 11 آر جے سیف کے ساتھ سنتے رہیے اور انجوائے کیجیے ریڈیو اڑان. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की. ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की. और इन सब का नाम है से एवरीथिंग. एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेशन. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति. से एवरीथिंग इज अ ग्रुप ऑफ फ्री एक्सप्रेशन. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's number one international mailing list. Come and join us today. आप बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की ओर. जनरली दोस्तों होता है क्या कि एग्जाम के दौरान बच्चों को लो फील होता है, उनको डर लगा रहता है, कभी कभी तबीयत भी इसकी वजह से खराब हो जाती है. तो खाना इस प्रकार का खाना चाहिए जिसमें से उनको भरपूर तौर पर प्रोटीन, आयरन ये सब कुछ मिल जाए, ताकि उनको लो फील ना हो और उनमें एनर्जी भी बनी रहे. तो अब अगली रेसिपी कुछ इस प्रकार की ही है. अब हम बनाएंगे चने के लड्डू. इसमें इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. चने के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए चने 1 कप, गुड़ 2 चम्मच, घी जरूरत के अनुसार. बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स काफी है. अब बना लेते हैं चने के लड्डू. चने के लड्डू बनाने के लिए चने को मिक्सर में अच्छे से क्रश कर लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लेना है. अब इसमें गुड़ को ऐड कर देना है. यहाँ तो हमने 2 चम्मच लिया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं. अगर ज्यादा मीठा पसंद हो तो ज्यादा गुड़ लीजिए, कम मीठा पसंद हो तो कम गुड़ लीजिए. और जब तक लड्डू बन जाए, इस प्रकार की कंसिस्टेंसी ना आ जाए, तब तक घी ऐड करते रहिए, क्योंकि चने हैं इसलिए थोड़ा घी तो वो पी ही जाएगा. तो घी ज्यादा ऐड करना जरूरी होता है. यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि चने में प्रोटीन बहुत होता है, और कहते हैं ना, जो चने खाता है उसके पास घोड़े जितनी ताकत आती है ना. और गुड़ में आयरन बहुत होता है, तो गुड़ खाना भी जरूरी है. लेकिन याद रखें, केमिकल वाला गुड़ नहीं है, जो प्योर गुड़ है वही खाना जरूरी है. और घी भी गाय का ही पसंद करें, क्योंकि गाय के घी में जो गुण होते हैं उसकी तारीफ करनी भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि सबको इसके बारे में पता होता है. आप इसके छोटे छोटे लड्डू बनाकर सर्व कर दीजिए. इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसको भी लंबे अरसे तक रखा जा सकता है, और अगर आप हॉस्टल में पढ़ते हैं तब तो आपके लिए ये आशीर्वाद के समान है. एक और खास बात इस रेसिपी की है कि इसको कोई भी बना सकता है, जैसे कि बच्चा अकेला है और भूख लगी है तो भी ये रेसिपी तो आसानी से बना सकता है, क्योंकि इसमें ना गैस की जरूरत पड़ती है ना इसके खास प्रकार के नाप की जरूरत पड़ती है.
तो कोई भी इसको आसानी से बना जरूर लेगा। वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कॉन्टेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voicefor blind voicefor blind@gmail.com, मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.godfoodtalks.in goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट है। तो कैसी लगी आपको ये डिश चने के लड्डू, यानी कि जब मीठा मुंह हो गया तो बढ़ते हैं हम अब हमारी अगली रेसिपी की ओर। हमारी अगली रेसिपी है ड्राई फ्रूट के समोसे। इस रेसिपी को इसमें इंक्लूड करने की खास वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ड्राई फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन कोई भी बच्चा आपने ऐसा देखा है जो समोसे खाने से मना कर दे? शायद नहीं। तो यही कारण है कि अब हम ड्राई फ्रूट के समोसे बनाएंगे ताकि बच्चे आसानी से इसको खा सके, और इसको भी तकरीबन 10 से 15 दिन तक रखा जा सकता है। अब इंग्रेडिएंट्स देख ले। ड्राई फ्रूट समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट 1 कप। ड्राई फ्रूट में हम लेंगे बादाम, काजू, अंजीर, ब्लैक करंट और किशमिश। इसके अलावा वॉलनट भी लेंगे। इन सब चीजों को हम क्रश करके 1 कप जितना लेंगे। तो ड्राई फ्रूट हो गया 1 कप, तीखी सेव, कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, जैसे कि पुदीने की, पालक की, उसको हम बिल्कुल बारीक क्रश कर देंगे। इसको सिर्फ बाइंडिंग के लिए ही रखना है, इसलिए 1 चम्मच जितना ही लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे हरा मिर्च 1.5 टीस्पून, अदरक 1 टीस्पून, और इसका लेयर बनाने के लिए हम लेंगे गेहूं का आटा 1 कप, घी 1 चम्मच, तेल जरूरत के अनुसार, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। अब सबसे पहले क्या करना है कि जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं उसमें हमें गरम मसाला ऐड कर देना है। इसके अलावा मिर्च, अदरक और जो सेव के हमने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए थे, यानी कि बिल्कुल क्रश ही कर लिया था, उसको भी इसमें ऐड कर देना है। सब कुछ ऐड हो गया। अब हम बनाएंगे लेयर। लेयर बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा गूंदना है, जिसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और
जरूरत के अनुसार तेल डालकर पराठे का आटा जिस तरह बनाते हैं इसी तरह इसको गूंद लेना है अच्छे से। अब छोटी छोटी सी रोटी बना लेंगे। रोटियां बनाने के बाद वही लेयर को कच्चे पक्के रोस्ट कर लेने हैं। रोस्ट कर लेने के बाद अब हम जिस प्रकार समोसे को फिल करते हैं, यानी कि समोसे के लेयर में जो हम फिलिंग करते हैं, इस प्रकार हमें फिल करना है वो सारे ड्राई फूड्स। लेकिन समोसे की साइज छोटी रखनी है क्योंकि बच्चों को छोटा छोटा पसंद जो होता है ना। अब इसके लेयर्स तैयार हो चुके हैं, इसमें हमने फिल कर दिया। फिल इन होने के बाद अब हम इसको डिप फ्राई करेंगे। क्योंकि हमने गेहूं का आटा लिया है तो ये बिल्कुल नुकसान करने वाला है ही नहीं। गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपको इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप इसको सर्व कीजिए। सर्व करने के लिए साथ साथ आप खजूर इमली गुड़ की बनाई हुई चटनी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि खजूर में आयरन होता है और गुड़ में भी आयरन होता है, और ये सब हेल्थ के लिए कितना जरूरी है आप अच्छे से जानते हैं। ड्राई फ्रूट में एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बड़े पैमाने पर होता है, तो इस प्रकार आप बच्चे को ड्राई फ्रूट जरूर खिला सकते हैं। अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो भी ये समोसे वो वहाँ ले जा सकते हैं और 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं ताकि उनको होम सिकनेस फील ना हो। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, न सिर्फ एग्जाम के दौरान बल्कि हर रोज हेल्दी खाना खाना ही चाहिए, क्योंकि इसका असर एग्जाम पर पड़ेगा। वैसे जो हमने पूरे साल तक ध्यान रखा है वही आखिर में हमारे साथ आएगा, इसलिए अपना रूटीन ही इस प्रकार बनाएं कि ऐसी ही चीजें आप खाएं। नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 0987170166। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की ओर। लेकिन हाँ, अगली रेसिपी से पहले आपको बता दूं कि खाने का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपको कुछ भी खाना है तो घर पर सब कुछ अवेलेबल होता ही है, उसमें से कुछ न कुछ चूज कर लीजिए ना आप अपने लिए भी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ विद मी रिद्धि इन किचन एक्सप्रेस। सो स्टे ट्यून्ड इन फॉर मोर सच रेसिपीज। दोस्तों, हमारी अगली रेसिपी है एग्जाम क्रैकर कैनपीज। एग्जाम क्रैकर कैनपीज रेसिपी के नाम में ही एग्जाम शामिल है ना? आइए अब देखते हैं एग्जाम क्रैकर कैनपीज को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एग्जाम क्रैकर कैनपीज बनाने के लिए हमें चाहिए बीट, एक नंग बॉईल किया हुआ गाजर, एक नंग बॉईल किया हुआ धनिया 3 टेबलस्पून, ब्रोकली बॉईल की हुई 3 टेबलस्पून, हरी मिर्च 2 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून,
स्वीट पोटैटो बॉईल किए हुए 1 टेबलस्पून, ग्रीन ऑनियन 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटे कटे, टोमेटो 1 टेबलस्पून वो भी बिल्कुल बारीक कटे कटे, ऑयल और अन्य मसाले। अब आइए जानते हैं कि एग्जाम क्रैकर कैनफिस को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें पैन रख के सबसे पहले ऑयल रखेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है हम हींग डालेंगे। अब लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, जायफल पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पर जायफल इसलिए लिया जा रहा है ताकि बच्चों को नींद भी अच्छे से आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के दौरान बच्चों को बुरे बुरे सपने भी आते रहते हैं, जैसे कि पेपर छूट गया या क्वेश्चन नहीं आता था, इस प्रकार वो पूरी स्लिप नहीं ले पाते हैं और अगले दिन एग्जाम पर उसका असर पड़ता है। तो अगर जायफल पाउडर ऐड करेंगे तो फायदा यही है कि बच्चा अगर अच्छे से सो जाएगा तो दूसरे दिन अच्छे से लिख पाएगा, तो इसलिए जायफल पाउडर हमने ऐड किया है। जायफल पाउडर ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे टर्मरिक, जस्ट पिंच ऑफ इट। अब हम सब वेजिटेबल्स हमने लिए थे वो सब ऐड कर लेंगे, एक के बाद एक धीरे धीरे से ऐड कर लेना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप 1 टीस्पून और चिली सॉस 1 टीस्पून। अब जो फिलिंग करने की चीज है वो तैयार है। अब हम लेंगे 7 कैनपीज, एक प्लेट में रखेंगे और सर्व करने के लिए हम ये जो वेजिटेबल्स हमने तैयार किए हैं सबको इस पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए हम धनिया डालेंगे और बेबी ऑनियन को छोटे छोटे से पीसेस में चॉप करके ऊपर रखने हैं, टोमेटो को भी इस प्रकार चॉप करके ऊपर रखने हैं और टोमेटो केचप भी डालेंगे। इसके अलावा चीज डालेंगे। अब ये रेसिपी है तैयार, सर्व कर दीजिए। आपको इस रेसिपी की एक खास बात बता दूं कि इसमें आप जितने वेजिटेबल्स चाहे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंद, पम्पकिन और कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों को ये सारे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं होता, जैसे कि पम्पकिन पसंद नहीं आता, ब्रोकली पसंद नहीं आता, लेकिन जब आप इस प्रकार गार्निश करके देते हैं तो उनको जरूर पसंद आता है। इतना ही नहीं, ये सारे वेजिटेबल्स में प्रोटीन, विटामिन की मात्रा इतनी होती है कि बच्चों के लिए ये खाना आवश्यक भी हो जाता है। आपको यहाँ पर एक बात बता दी जाए कि आजकल बच्चे कंप्यूटर और टैबलेट्स में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। अब वो जमाना नहीं है कि बच्चे हमेशा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो ई टेक्स्ट भी अवेलेबल है। इसके कारण बच्चों की आईज पर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है ना? तो आईज को बूस्ट करने के लिए इस प्रकार की रेसिपी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाजर है, ब्रोकली है और जो कंद है, पम्पकिन है, इन सब में विटामिन ए का प्रमाण भरपूर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, ब्रोकली तो इतनी हेल्दी है कि उसकी सब्जी खाना तो बहुत ही फायदेमंद माना गया है। हालांकि बच्चों को वो पसंद नहीं आती, इसलिए इस प्रकार किसी भी चीज में ऐड करके अगर खिलाया जाए तो वो फायदेमंद ही रहता है। और अगर आप चाहे तो इसमें से पोटैटो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, क्योंकि
ऑलरेडी हमने स्वीट पोटैटो तो डाला ही था। स्वीट पोटैटो में भी विटामिन ए भी होता है और टेस्ट भी अच्छा होता है, तो बच्चे उसको पसंद जरूर कर देते हैं। और बच्चों को सॉस तो पसंद होता ही है, टोमेटो सॉस तो किसको पसंद नहीं होता, है ना? तो इस प्रकार सब चीजों को अच्छे से डेकोरेट करके जो बनाया जाता है वो ऐसा ही खास होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सीरियल वाली कैनोपीज भी बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, चलिए इसकी भी रेसिपी आपको बता देती हूँ। जो सीरियल्स के लिए आपको कैनोपीज बनाने के लिए आपको चाहिए स्प्राउट, मूंग, आपको तकरीबन चाहिए हाफ बाउल, और कॉर्न बॉईल किए हुए वो भी हाफ बाउल। इसके अलावा आपको चाहिए चने बॉईल और क्रश भी, वो 4-5 टेबलस्पून। बादाम, इसको ब्लांच करके रखना है। ब्लांच करने के बाद बॉईल करके अच्छे से क्रश कर लेनी है, वो चाहिए 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हरी मिर्च छोटी छोटी कटी हुई 2 टीस्पून, अदरक बिल्कुल कद्दूकसा हुआ 1 टीस्पून। और अब हमें क्या करना है कि इन सब को मिला के कैनोपीज पर रख देना है। लेकिन बच्चों को कच्ची चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए ऊपर डेकोरेशन के तौर पर और टेस्ट के तौर पर भी हम सबसे पहले तो इन सब में नमक मिलाएंगे और खजूर इमली की चटनी डालेंगे। इसके अलावा हम टोमेटो सॉस भी डालेंगे ताकि ये सब इसमें भीग जाए, ताकि वो बिल्कुल कच्चा कच्चा ना लगे। और अगर आप चाहें तो इसको कच्चा पका पका भी सकते हैं। इसके लिए पैन में आपको ये सारे सीरियल्स इकट्ठे कर लेने हैं। बस हल्का सा आधा चम्मच जितना ही ऑयल डालकर ऐड करने हैं और 2-3 मिनट तक कुक होने देने हैं। और कच्चे पके हैं तैयार। फिर इसी तरह स्प्रेड करके वही सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने गार्निशिंग के लिए लिए थे उसको रख के आपको सर्व कर देना है। आप गार्निशिंग के लिए ऊपर रेजिन या ब्लैक करंट भी रख सकते हैं। इसके अलावा चेरी भी रख सकते हैं, क्योंकि चेरी भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। चाहे तो आप इस प्रकार का कैनपेस फ्रूट का भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कि चेरी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पपाया वगैरह को लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके सारे कैनपेस पर रख के ऊपर दही स्प्रेड करके धनिया रख के सर्व कर देना है। तो देखा, एक ही जो था एग्जाम क्रैकर कैनपेस, उस पर ही कितने सारे इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं। बच्चों को ये सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं। मैंने पहले ही कहा ना, जितना डेकोरेटिव उतना ही उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों का स्वाद से तो बाद में लेना देना है, सबसे पहले तो लेना देना है आंखों से। अगर आंखों से पसंद आया तो वो दिल में उतर जाता है और फिर बच्चे खाने के लिए जरूर पसंद कर लेते हैं। अब ये सारी रेसिपीज तो खत्म हुई दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं कि बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि घर में कोई आवाज ना करे, किसी को टीवी नहीं देखना है, सबको फ्रीडम तो चाहिए ही। तो एग्जाम के दौरान उनके लिए जेल मत बना देना घर को, उनको भी फ्रीडम जरूर देना। सबका स्वभाव अलग अलग होता है ना? किसी को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में, किसी को नून में, तो किसी को नाइट में। सबको अपनी आजादी दीजिए और फिर देखिए उनका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब आपको जब मम्मी द बेस्ट बनना पसंद है तो बच्चों को भी चाइल्ड द बेस्ट या फिर सुपर किड बनना जरूर पसंद है। अपने बच्चे पर और अपने आप पर विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा ही होगा।
बच्चों के खाने पीने की जिम्मेदारी तो माता की है, लेकिन आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो बच्चे खुद उठा ही लेते हैं। आखिर में भगवान ने सबको कुछ न कुछ तो टैलेंट के तौर पर दिया ही है, तो फिर प्रेशर क्यों? सबको अपनी अपनी खूबी बाहर लाने का मौका जरूर देना चाहिए। रेडियो उड़ान आपको देता है संदेश कि खाना खाइए हेल्दी, अच्छा, घर का फ्रेश, लेकिन हमेशा स्माइल करते रहो और खाना अदब के अंदाज में पकाते रहो। बस चीजें तो वही है, उसको हमें कलेक्ट अलग अलग तरीके से करना है, यही तो है आर्ट ऑफ कुकिंग। दोस्तों, आपको ये सारी रेसिपीज कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना, और ये सारी रेसिपीज आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल हुई या नहीं ये भी बताना। अगर आपके लिए भी ऐसी कोई बातें मुझे सजेस्ट करने के लिए हैं तो भी जरूर मुझे बताना। अगर आपके पास कोई रेसिपी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी बताना, और इसके लिए आपको बहुत ही इजी काम करना है, ये कार्यक्रम कैसा लगा ये भी बताना। इसके लिए हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए जो कि है www.radioudaan.com, radioudaan.com। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए, वहाँ पर भी आप कमेंट के द्वारा कह सकते हैं इस कार्यक्रम के विषय में। हमारा फेसबुक पेज लाइक करने के लिए आप फेसबुक के सर्च बॉक्स में लिखे www.facebook.com/radioudaan, RADIO UDAAN। ट्विटर पर हमें फॉलो करने के लिए वही आईडी का इस्तेमाल कीजिए, रेडियो उड़ान। हमें आप स्काइप पर चैट भी कर सकते हैं, हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। आप अपने विचार हमें लिखकर मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है mail@radioudaan.com, mail@radioudaan.com। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और सारे रेसिपीज लेकर मैं रिद्धि एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित जरूर होंगी, लेकिन उसके लिए मुझे और भी रेसिपीज लेने के लिए जाना होगा। तो मैं जब तक और सारे रेसिपीज लेके आऊं, तब तक आप एंजॉय करते रहिएगा रेडियो उड़ान। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बी सेफ, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudaan.com। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।